फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेटियां पिता की संपत्ति में कब हिस्सा मांग सकती है, कब नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे बेटियां पिता की संपत्ति में कब हिस्सा मांग सकती है। तो भारत में अगर मोटे तौर पर देखे तो संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक वह संपत्ति होती है जो व्यक्ति ने स्वयं अर्जित की है, यानी सेल्फ एक्वायर्ड है, और दूसरी वह संपत्ति होती है जो किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति है, यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। अब कुछ संपत्ति पर बच्चों का कोई भी अधिकार नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए स्वयं द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के पक्ष में कोई फैसला ले लेता है, जैसे उसे दान देना है, बेचना है, या उसके संबंध में कोई हक त्याग कर देना है, या फिर कोई अन्य व्यवस्था करते हैं, तो तब कोई बेटा या बेटी किसी प्रकार का क्लेम अपने पिता की संपत्ति के बारे में नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति भले ही अपने जीवित रहते हुए अपने स्वयं द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, यानी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति के बारे में कहीं कोई वसीयत कर दे, इसके संबंध में भी वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब वह जिससे चाहे, जहां चाहे, खुद की इच्छा से वसीयत कर सकता है। हालांकि बच्चे ऐसी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उस वसीयत के अवैध होने के बारे में आरोप लगा सकते हैं। पर अगर जांच में यह पाया गया कि वसीयत वैध है, यानी जो विल है वो वैलिड है, तब बच्चे मुकदमा हार जाते हैं। अब कब है बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार? जब एक पिता की स्वयं द्वारा, यानी सेल्फ एक्वायर्ड अर्जित की गई संपत्ति है, तो उस संपत्ति में बेटी और बेटों को उनके मृत्यु के बाद ही अधिकार मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई फैसला कर दिया है, ऐसी स्थिति में तो बेटा और बेटियों को अधिकार है ही नहीं। पर अगर कोई व्यक्ति बगैर फैसला किए उनकी मृत्यु हो जाती है, तब बेटे और बेटियों को अधिकार मिल जाता है। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बेटे और बेटी को बराबर, यानी इक्वल अधिकारी माना है। एक प्रॉपर्टी में इक्वल अधिकार है दोनों को। अब कोई भी संपत्ति में जितना अधिकार बेटे को मिलता है, उतना ही बेटी को मिलता है। बेटा यह पक्ष नहीं ले सकता है कि बेटी की शादी हो गई है, उसे उसकी पति की संपत्ति में अधिकार मिल गया है, यह बात कोई भी बात बेटा नहीं बोल सकता है। अब बेटी स्पष्ट रूप से पिता की अर्जित की संपत्ति में, यानी पिता की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति में दावा कर सकती है, अगर उनके पिता ने संपत्ति के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की है तो, और उनकी मृत्यु हो जाती है तो। अब न्यायालय में यह साबित हो जाने पर कि संपत्ति उस व्यक्ति की स्वयं द्वारा, यानी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति थी, तब बेटी को बराबर का हिस्सा संपत्ति में दिया जाता है, इक्वल राइट है दोनों को। और ऐसी संपत्ति बेटी को उत्तराधिकार में मिली संपत्ति मानी जाती है। अब पैतृक संपत्ति के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में। अब पैतृक संपत्ति पूर्वजों से चली आ रही संपत्ति है, यानी अपने दादाजी से, पिताजी के दादाजी से मिली पिताजी को, और पिताजी से मिलने वाली है बच्चों को, ऐसी पैतृक संपत्ति। अब बेटियों का दूसरी जगह विवाह हो जाता है, अब ऐसे स्थिति में उनका अधिकार थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर कोई रिश्ता बेटी की तरफ से है तब उसको अधिकार कम मिलते हैं, और एक समय बाद बेटियों की तरफ से रिश्ते के अधिकार तो पैतृक संपत्ति के मामले में लगभग समाप्त ही हो जाते हैं। अब इस मामले में कानून अत्यंत विशद है। अब इतना समझ लेना चाहिए कि पैतृक संपत्ति के मामले में एक से दो पीढ़ी के बाद बेटियों के अधिकार लगभग कम हो जाते हैं। पर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, यानी चेंज हुआ है इस कानून में, और अब एक बेटी को भी पैतृक संपत्ति में लगभग बेटे के ही तरह से, यानी इक्वल राइट
इक्वल अधिकार प्राप्त है। अब पैतृक संपत्ति के मामले में भी उसे बेटे से कहीं भी कम नहीं, बेटे से कहीं भी किसी भी तोल में कम नहीं आका जाएगा, भले ही उसकी कहीं भी शादी हुई हो, कितने भी समय पहले हुई हो, कितने भी साल हुए हो, या फिर वह कोई भी पीढ़ी की क्यों न हो, बेटियों को कब नहीं मिलता है उत्तराधिकार। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है, अब कुछ सर्कमस्टेंस है कि जब बेटियों को अधिकार नहीं मिलता है। अब कब नहीं मिलता है, तो जब बेटियों को संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं मिलता है, जैसे कि कोई बेटी अपने को उत्तराधिकार में मिले हक को त्याग कर देती है, यानी दूसरे को दे देती है, तब उसे संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता। अब भले ही ऐसी संपत्ति उसके पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति हो, यानी सेल्फ एक्वायर्ड हो, या फिर उसके पिता को पैतृक संपत्ति में से मिली हो, अगर बेटी में अपने हिस्से का त्याग कर दिया है और किसी पक्षकार के पक्ष में रिलीज डीड लिख दी है और उस रिलीज डीड को रजिस्टर्ड करवा लिया गया है, वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा लिया गया है, तब बेटी किसी भी अधिकार को क्लेम नहीं कर सकती है। जब बाप बेटों को वसीयत कर दे, बेटों के नाम से वसीयत कर दे, अगर बाप स्वयं द्वारा यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो ऐसे स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति की वसीयत बेटों के पक्ष में लिख दे और बेटियों को पूर्ण रूप से खारिज कर दे, ऐसी वसीयत को रजिस्टर्ड भी करवा लिया जाए, तब बाप यानी उनके पिता के मृत्यु के बाद बेटियों को संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। फिर वे अपने संपत्ति के संबंध में कोई भी अधिकार की मांग न्यायालय में जाकर नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पिता ने ही उनको बेदखल कर दिया है और संपत्ति पिता की स्वयं द्वारा अर्जित थी, यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड थी। अब यहाँ पर यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पिता स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति के संबंध में तो बेटों के पक्ष में वसीयत कर सकते हैं, पर वह कोई भी वसीयत पैतृक संपत्ति के संबंध में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है। अब संपत्ति में उनकी बेटी का भी अधिकार है, वह व्यक्ति अपनी बेटी को अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। अब इन सब बातों के बाद कुछ ऐसी बातें समाज में चलती है, किसी व्यक्ति के कहीं विरोध के बाद भी शादी कर लेने पर संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, यह बात निराधार है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो उसका संपत्ति में अधिकार इस बात से समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि कोई व्यक्ति कोई बुरा काम कर ले उससे भी उसका संपत्ति में अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। सो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी, बेटी अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा कब मांग सकती है कब नहीं, इसके बारे में। थैंक यू।